राधे, कैसे हैं आप सब? आप सोच रही होंगी ये बाल्टी क्यों दिखा रही है मुझे, तो मैं आज आपको फिर से एक बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है वो बताने वाली हूँ, और वो किस तरीके से काम करता है वो भी बताऊँगी आपको। वीडियो को पूरा देखें। ये देखिए गाइस, मैं ना कल बाज़ार गई थी, बाजार से प्याज वाले भैया के पास, बहुत सारे उनके रेडी पर ये प्याज के छिलके पड़े थे। मैंने उनसे बोला ये फेंक दो, बोले हाँ हम फेंक देते हैं। मैंने कहा ठीक है तो मुझे दे दीजिए, उन्होंने मुझे दे दिया और मैं इसको इतने सारे ले आई थी। कई बार घर में इकट्ठा नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है, तो हमें तो फर्टिलाइजर चाहिए होता है ना प्लांट्स के लिए। तो ये इतने सारे प्याज की छिलके हैं जो मैंने पानी में भिगो दिए। तो जब भी बाजार जाएं इस तरीके से कुछ मिल जाए प्याज की, घर पे भी कई बार हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में हमें प्याज के छिलके मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से कल मिल गए, वो बात अलग है। वैसे मैं अपने घर में इकट्ठे करती रहती हूँ, एक बॉटल बना रखी है मैंने, उस बॉटल में जितने भी प्याज के छिलके हैं मैं अभी इसको इसको फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कम से कम 15 दिन इसको एज इट इज ढक के छोड़ दूंगी। ये लीजिए, अब हम इसको ढक देते हैं। अब ये 15 दिन के लिए हमने इसको होल्ड पे छोड़ दिया है। करते हैं बात इस फर्टिलाइज़र की। ये भी प्याज के ही छिलकों का बना हुआ है, पर ये बन चुका है, पूरी तरह रेडी है। अब इसको हम निकालते हैं, ठीक है? फिलहाल हम इसमें निकालेंगे इस फर्टिलाइज़र को जो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमने प्लेन पानी डाला था पर पानी का जो कलर है आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो चुका है, और ये तकरीबन 10 दिन होल्ड हो चुका है। मैंने इस फैंटा की बोतल में जो पर डे हमारे यहाँ किचन में प्याज यूज़ होती है वो डाली थी, और इस तरीके से निकल चुका है। तो गाइस इसमें लीजिए, हम थोड़ा सा मिला रहे हैं पानी। पानी मिलाने के बाद जितना फर्टिलाइज़र है रेडी हुआ है लगभग उतना ही पानी डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली अच्छे चाहिए, अच्छी हेल्थ में चाहिए, तो मैं उन प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को फ़िलहाल डालने वाली हूँ। जब मेरे पास फर्टिलाइज़र का जुगाड़ कम होता है ना, उस टाइम मैं फर्टिलाइज़र उन्हीं प्लांट्स में डालना पसंद करती हूँ जिनमें मुझे ज़्यादा आवश्यकता लगती है। हाँ, ज़्यादा होता है तो मैं अभी जितने भी प्लांट्स मेरे यहाँ हैं सब पर डाल देती हूँ। तो लीजिए, हो गया फर्टिलाइज़र तैयार। तो अब हम इस फर्टिलाइज़र को इसके थोड़े से छिलके निकाल लेते हैं। पहले ये छिलके मैं उसी बाल्टी में डाल देती हूँ जिस बाल्टी में मैंने छिलके ऑलरेडी डाले हैं। ये लीजिए, खाली पानी पानी रह जाएगा इस तरीके से। तो एक किसी भैया ने या सिस्टर ने कमेंट्स किया था कि आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैं प्रैक्टिकल करती रहती हूँ समय समय पे, ऐसी बात नहीं है। जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं करेंगे तब तक प्लांट्स कैसे अच्छे चलेंगे। तो अब हमने ले लिया ये पानी। तो जैसे ये प्लांट्स है ना मेरे लक्की बैम्बू के, मैंने इसमें डालना है थोड़ा, ये लीजिए। और ये सेफलेरा है, इसमें डाल दिया मैंने, ये लीजिए सेफलेरा में। अब इसमें डालेंगे 1/2 लीटर, बहुत खूबसूरत प्लांट है मेरा ये। इस खूबसूरत प्लांट्स में और डालने का तरीका होगा ये वाला, क्योंकि इस प्लांट्स में कुछ इनकी रूट्स को मिल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये लीजिए, मैंने इसमें भी डाल दिया, ये लीजिए मैंने इसमें भी डाल दिया, मैंने हैंगिंग पॉट में कटिंग लगाई थी। लीजिए, ये देख रहे हैं खूबसूरत पाम, ये दूसरी वैरायटी का पाम है, इसमें भी मैंने डाल दिया। और ये देखिए, मैंने जो आपको दिखाती रहती हूँ तो प्यारी मनी प्लांट्स की, ये लीजिए इसमें भी डाल दिया मैंने। इन्जॉय पोर्थस, ये धूप में नेट फट गई थी ना, तो कुछ इन्जॉय पोर्थस मेरी देख रहे हैं पत्ते कैसे हो गए इनके, तो लीजिए मैंने इसमें भी डाल दिया है ना फर्टिलाइज़र ये वाला, और एक ये इसमें भी डाल देते हैं। एक ये मैं नीचे रखती हूँ इस प्लांट्स को ज़्यादा,
ये टेबल फार्म है इसमें डाल दिया, एक मनी प्लांट्स ये है इसमें डाल दे रही हूँ, एक इंजॉय पोर्थोस इसमें कटिंग लगाई थी, देखिए कितनी अच्छी निकल के आई है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ रिच प्लांट हैं, जब मेरे पास में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम होती है तो मैं कुछ रिच प्लांट्स में ही डालती हूँ। तो लीजिए मैंने इस तरीके से अपने कुछ रिच प्लांट हैं उन्हीं में डाला है, ये लीजिए। और कभी कभी समझ में नहीं आता ना, तो गाइस जो मुझे समझ में आया मैंने उसमें अपना ये ओनियन फर्टिलाइज़र दिया और आपको बताया भी बी प्रैक्टिकल कि कैसे ये बनता है और कितने टाइम बाद ये तैयार हो जाता है और कितने समय पर इसको कितनी कितनी क्वांटिटी पर देना चाहिए। 15 दिन पर अगर आप इस तरीके का ये फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो गाइस आज विश्वास कीजिए, मेरा वैसे गार्डन फैला पड़ा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अभी नेट भी मेरी देखी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल बादल दिखने लगा है, ये देखिए किस तरीके से फटी है। तो कुछ प्लांट्स हैं, अभी बहुत सारा काम बचा है गार्डन में मेरे। कई बार क्या होता है कि जैसे घर में काम करते रहो और ख़त्म नहीं होता ना, ऐसे कई बार गार्डन के भी काम ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारा काम है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी कोलियस हो रही है ना, तो इनको पिंच कर देती हूँ लगे हाथ आपसे बात करते करते, थोड़ा सा घना निकल जाएगा, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, ये लीजिए। तो गाइज मैंने ओनियन फर्टिलाइज़र जिस तरीके से बताया, आप इस तरीके से फ्री का ओनियन जो घर का फर्टिलाइज़र बना के और आप लोग दे सकते हैं। और मैं अपने इन प्लांट्स में, खूबसूरत प्लांट्स में यही अप्लाई करती हूँ फ़िलहाल। और हाँ, पहले मैंने कुछ टाइम ये DAP वगैरह यूज़ किया है, बट जब मुझे समझ में आया, मैंने अप्लाई किया और समझ में आया कि मेरे प्लांट्स ये जो फर्टिलाइज़र हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ घरेलू, ये ही बहुत अच्छे कारगर हैं, तो फिर मुझे लगा कि मैं फ्री के फर्टिलाइज़र से ही काम चलाऊँ। एक तो फ्री का है और दूसरा काफ़ी असरदार है। तो आज मैंने कम से कम 15 दिन बाद में ये ओनियन फर्टिलाइज़र डाला है, और एक जो फर्टिलाइज़र अब बनने के लिए छोड़ दिया है जो कि 15 दिन बाद रेडी होगा। फिर से आपको दिखा दूंगी मैं किस तरीके से कौन कौन से प्लांट्स में अप्लाई करती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको समझ में आता है तो आप भी ट्राई करें, घर पर बस इकट्ठा करना है क्वांटिटी में जो थोड़ा थोड़ा निकलता है और 15 दिन वेट पे छोड़ देना है, और उसके बाद में उसमें पानी मिला करके अपने कुछ ऐसे प्लांट्स सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगते हैं कि जैसा उन्हें करना चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं, तो आप पूरी प्लांट्स में डालें और छान करके अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे भी कर दें। मैं ऐसा भी करती हूँ, जैसे मनी प्लांट्स हैं और इनकी जो एरियल रूट्स होती हैं उनमें स्प्रे कर दें तो भी प्लांट्स में भी बहुत अच्छा इनकी लीव्स ले लेती हैं और काफ़ी अच्छा करती हैं। तो गाइज़ अगर पसंद आया हो और समझ में आया हो मेरा ये वीडियो और जानकारी, तो गाइज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वॉशिंग टाइम की बहुत सारी कमी है और आप लोगों से मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। गाइज़ बहुत मेहनत लगती है, हालाँकि गार्डनिंग करना मेरा शौक है, बट अब जब आपको जानकारी शेयर करती हूँ और जिन भाई बहनों को अच्छी लगती है, कोई मजबूरी नहीं है, पसंद आती है, तो ज़रूर आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक एंजॉय दिस वीडियो, बाय फ्रेंड्स।